आज हम पानी पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पानी जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम पानी में करंट देंगे तो एक जगह से दूसरे जगह करंट फैल जाता है। तो पानी में करंट फैलता है, तो पानी में अगर एक जगह करंट दे देंगे दूसरे जगह आदमी भी टच करेगा तो उसे भी करंट लग जाएगा। तो हम यह आज एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक जगह से पानी के थ्रू होते हुए दूसरे जगह करंट पहुँचता है तो कितना पहुंचता है, क्या पूरा करंट पहुंच जाता है, तो इसी का हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए आज हम यूज में लिए हैं पानी। देख सकते हैं नीचे हमारे पास एक बाल्टी है और बाल्टी में हम पानी रखे हैं। तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास एक सर्किट का कनेक्शन किए हुए हैं। तो देख सकते हैं यह जो कनेक्शन है, यहाँ से हम इसमें 220 वोल्ट देंगे और बीच में बल्ब है और इसका एक पॉइंट जो है यहाँ पर स्विच की जगह हम इस तरह से पेचकस में हम वायर को कनेक्ट किए हैं, ताकि हम इस पेचकस को जब पानी में डालेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि पानी में करंट आ रहा है या नहीं। तो हमारा पूरा जुगाड़ रेडी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली इसमें 220 वोल्ट करंट देंगे और उसके बाद हम इन दोनों को पानी में डुबाते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बोर्ड में प्लग को इन कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्विच है तो स्विच को भी ऑन करते हैं। और स्विच ऑन करने पर देख सकते हैं अभी बल्ब हमारा नहीं जला है, तो इसमें हमारा करंट आ चुका है। जैसे हम इसे शॉर्ट करेंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा बल्ब जल रहा है। तो चलिए पानी में डुबाते हैं। तो पानी में देखते हैं पानी में देख सकते हैं कि हम बहुत दूरी पर पेचकस को हम सटा रहे हैं। तो यह हमारा पानी में चला गया है। तो देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं, तो करंट हमारा धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो हम इस पेचकस को हम जितना अंदर करेंगे उतना ज़्यादा इसमें करंट फैलेगा। तो पूरा पेचकस जब हम डाल देते हैं तो देख सकते हैं बल्ब हमारा कुछ इस प्रकार से इतना जल गया है। तो मतलब है कि पानी में भी करंट को हम एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। तो अब इसे हम धीरे धीरे नज़दीक करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम नज़दीक कर रहे हैं तो बल्ब का लाइट बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो जैसे ही हम दूर करते हैं तो यह कम होता है और नज़दीक करते हैं तो इसका करंट बढ़ते जाता है, और जब इसे हम सटा देते हैं तो यह फुल करंट आ जाता है। तो दोस्तों हमको तो इसका मतलब है कि पानी में भी करंट फैलता है। पानी में जैसे ही हम नज़दीक आते हैं तो पूरा करंट मिल जाता है, और जैसे ही हम धीरे धीरे दूर जाते हैं तो इसका करंट धीरे धीरे घटते चला जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में पता चल गया कि पानी में भी हमें करंट एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, और पानी में भी अगर फेज डुबा दिया जाए तो उससे भी किसी को करंट लग सकता है, यह बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो यह था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो आशा करते हैं कि आपको यह एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ कुछ अलग करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।